तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों आज का टॉपिक है पावर फैक्टर, प्लस टू साइंस के लिए है। टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। उसके अंदर बच्चों हम पढ़ चुके हैं आर के बारे में, हम पढ़ चुके हैं एल के बारे में, हम पढ़ चुके हैं सी के बारे में। आर वाला केस था जिसमें करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों कैसे थे, एक साथ चलते थे, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, सेकंड है हमारे पास एल, जिस वाले केस के अंदर बच्चों जो हमारे पास आई है उससे जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ चलती है। और जो थर्ड है सी, उस वाले केस के अंदर जो आई है उससे जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री पीछे चलता है। ये इनके अंदर फेज डिफरेंसेस हम लगातार इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। अब पढ़ना क्या है बच्चों इस टॉपिक के अंदर, पावर फैक्टर एक वर्डिंग है। पावर फैक्टर हम समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है, कि कोई ऐसा एक वर्ड हमारे पास आ जाए, एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाए, एक ऐसा वेरिएबल थिंग हमारे पास आ जाए जिसके अंदर हम अगर एंगल को फिल करें, ये जो एंगल है ये कितना होगा, अगर उसको फिल करें तो एक ही इक्वेशन के अंदर हमें हर बार पावर मिल सके। पढ़ेंगे इसको कि पावर फैक्टर है क्या। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों कि आर जो है वो क्या कोई पावर कंज्यूम करता है, फिर एल क्या कोई पावर कंज्यूम करता है, फिर सी क्या कोई पावर कंज्यूम करता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि आर एल सी अगर इकट्ठे लगे हों क्या तब वो कोई पावर कंज्यूम करेंगे। तो इन सभी थिंग्स इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर जब हम फाइनल इवैल्यूएशन पर पहुंचेंगे कि ये पावर को यूज करते हैं अपने किसी एक साइकिल के अंदर, जब इसको एसी प्रोवाइड किए जाए इन सभी को, अगर वो पावर कंज्यूम करते हैं तो अगर आर एल सी के अंदर मैं लगाकर देखूं क्या उस टाइम पे कोई पावर आएगी, तो फिर कंपेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा एक वेरिएबल है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ सकेंगे कि एक ही इक्वेशन इन सभी को रिप्रेजेंट कर सके। और वो इक्वेशन जो होगी उसके अंदर बच्चों एक छोटा सा इक्वेशन एड ऑन होगी जिसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। ओके, कि एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हमें बताएगा कि सर्किट जो है वो कैसा है, आर वाला है, एल वाला है, सी वाला है, या तीनों के तीनों मिलाकर है, वो पावर फैक्टर हमें बताएगा। ओके, तो उस तक पहुंचने से पहले इन सभी को अकेले अकेले पढ़ेंगे, फिर इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर बाद में जो फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, स्पेशल केसेस होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, टॉपिक खत्म। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चों, कॉपी और पेन रखो हाथ में, प्रॉपरली नोट्स बनाते जाना और समझते हैं इस टॉपिक को बड़े आराम के साथ। ओके, तो बच्चों सबसे पहले है एवरेज पावर, कि पावर जो है एवरेजली एक पूरे पूरे साइकिल में, एक पूरा जो एसी साइकिल हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अभी टॉपिक है कि हम किसी एसी सर्किट है हमारे पास, वो जब पावर कोई प्रोवाइड करेगा किसी रेसिस्टेंस को, मींस प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, एक सर्किट है हमारे पास जिसके अंदर सिर्फ आर लगा हुआ है, और जब हम उसको कोई एसी फेड करेंगे, ओके, तो एक पूरे साइकिल के अंदर, एक पूरा साइकिल मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके साथ क्या पावर आएगी वो समझना है हमें सबसे पहले। देखो आप इसके अंदर मुझे समझ क्या रहे हो कि एक एसी है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक आर दिया गया है, देखना क्या है कि क्या ये कोई पावर कंज्यूम करता है, कब, पूरे एक साइकिल के अंदर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि लगातार एसी जो है एक बार इस साइड से, 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 ऐसे लगातार वो अपने आप को इस आर तक करंट को पहुंचाएगी। ओके, ये जो एसी सर्किट है ये करंट को पहुंचाएगी। तो बच्चों क्या एक जो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव
पॉजिटिव और नेगेटिव से ही तो एसी बनेगा। तो देखना है कि एक पूरा टाइम जीरो से लेकर यहां तक ये टी टाइम तक इसके अंदर क्या ये जो आर है इसने कोई पावर को कंज्यूम किया है वो हमने पढ़ना है। ओके तो सबसे पहले अगर अकेला आर लगा है एट दैट टाइम देखेंगे तो वो क्या होगा, हमें क्या पता है। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक वी इक्वल्स पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके पी की वैल्यू क्या है, वी साथ में है आई। ओके अगर ये चीज हमें क्लियर है तो अब ये हमारे पास एसी है, तो एसी वाला केस अगर ये तो हमने पढ़ा था सिर्फ डीसी तक, क्योंकि आप लोगों ने एट दैट टाइम सिर्फ एक एसी जनरेटर पढ़ा था और आपने एसी के बारे में कुछ ज्यादा बहुत नहीं पढ़ा था 10th क्लास तक। अब ये जो एसी है इसके अंदर बच्चों लगातार डिपेंड है कि आर लगा है एल लगा है या सी लगा है, हर बार हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर करंट और जो ईएमएफ है वो अपना फेस चेंज करती है लगातार हर एक सेकंड, हर एक पर्टिकुलर छोटे से छोटे सेकंड के ऊपर भी। ओके क्योंकि लगातार एसी ऐसे चलेगा तो वो अपना फेज लगातार चेंज करता जाता है, तो बच्चों फेज मीन्स एंगल चेंज करता जाता है लगातार। तो यहां पर अब हम क्या पढ़ेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर हमने पावर को पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। ओके इंस्टेंटेनियस पावर वो क्या होगा, फिर इसका मतलब वोल्टेज भी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या ईएमएफ और साथ में इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। एट दैट टाइम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है या और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन इंस्टेंटेनियस करंट के दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस पावर किसके लिए, एक किसी भी एसी के लिए। क्लियर, वही थिंग डीसी के लिए थी, अब वही हमने पढ़ लिया किसके लिए, एसी के लिए। ओके तो अब ये हमने हमारे पास था अकेला आर है, 10th क्लास तक आपने अकेला आर ही पढ़ा है, तो प्रूफ करके देखें कि यार ये जो थिंग है ये क्लियर है, ये क्या प्रूफ हो रही है। अभी इसी को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे लास्ट में रिजल्ट क्या यही बनेगा। ये हमने टू प्रूफ करना था, मतलब समझना था कि पावर कोई आर यूज करता है इतनी, 10th तक पढ़ा, एसी के लिए इतनी हो गई, तो देखना है कि ये रिजल्ट वाकई में आ रहा है, देखेंगे कैसे। तो उसको बच्चों कैसे पढ़ेंगे, देखिए हमें क्या पता है वर्क डन वो क्या होता है, ई इंटू आई साथ में टी पढ़ चुके हैं। छोटे से टाइम के लिए बात करें तो डी डबल यू थोड़ा सा वर्क डन होगा तो डी टी आएगा, क्लियर इतना आपको पता है। तो फाइंड करना है पावर, अभी वर्क डन है टाइम है, बाद में हम इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे इसको इसके नीचे ले आए रिजल्ट अपने आप पावर बन जाएगा। ओके तो अब यहां तक है डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू आई साथ में डी डी। ओके अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आर के लिए क्या दोनों दोनों फेज डिफरेंस के साथ चलते हैं, पहले मैं करवा चुका हूं अभी के भी यहां पर, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साथ में आएगा साइन ओमेगा टी, साथ में क्या है आई नॉट और साथ में है साइन ओमेगा टी। ओके और साथ में क्या है डी डी, क्लियर E की वैल्यू I की वैल्यू ये पीक वैल्यूज है और साथ में एंगल्स है एट दैट टाइम कि वो कौन सी जगह पे आएगी, कौन सा एंगल लेकर चल रहा है, ये हमारे पास एंगल्स हैं इसके। ओके तो ये आ गया, अब क्या करेंगे इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा वर्क डन इस साइड के आएगा E नॉट I नॉट बाहर निकाल दो। ओके साइन का क्या स्क्वेयर आ गया, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटीग्रेट करना है। ओके तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले फॉर्मूला लगेगा यहां पर क्योंकि स्क्वायर है, तो वो क्या बनेगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू, साथ में क्या आ गया डी डी, क्लियर। अब यहां पर वर्क डन निकालो फिर से, यहां पर ये आइडेंटिटी बच्चों लग गई है, यहां पर ई नॉट साथ में आई नॉट बाहर आ गया, यहां पर क्या बनेगा वन बाय टू एक अलग से है तो इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे अलग से, तो वो क्या होगा वन बाय टू डी टी। ओके ये पूरे के लिए था, माइनस यहां पर एक और लगेगा वो क्या होगा वन बाय टू बाहर आएगा इसके अंदर से भी और यहां पर आएगा कॉस टू ओमेगा टी साथ में डी। ओके अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पहले की इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक, पूरे हाफ साइकिल के अंदर, क्योंकि हाफ साइकिल और फिर से दूसरा हाफ साइकिल तो हम पूरे एक साइकिल के लिए करेंगे जीरो से लेकर टी टाइम तक,
क्योंकि साइकिल्स की हेल्प के साथ ही तो पता चलेगा कि बच्चों एसी फैट हो रही है, साइकिल लगातार चेंज होता जाएगा। ओके, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन वो सिग्नल अपने आप को नेगेटिव साइड लेकर जाता है और फिर एक पूरे हाफ साइकिल के एक पूरे साइकिल के बाद फिर वो अपने आप को रिपीट करता है। तो हम देखेंगे कि एक पूरे साइकिल के अंदर क्या उसने कोई पावर कंज्यूम की है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जीरो से लेकर टी टाइम, जीरो से लेकर टी टाइम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा। देखो यहां पर E नॉट साथ में I नॉट आ गया, 1/2 ये भी 2 बाहर आ गया, ये dt है। dt की अब क्या आएगी बच्चों, इंटीग्रेशन t टाइम आ गया, t आ जाएगी। ओके, अपर लिमिट में tt, लोअर लिमिट में 0, t माइनस 0 तो t रह गया, और यहां पर माइनस किया जाए और बाद में 1/2 भी है। ओके, ये E नॉट इसके साथ भी है, ये यहां पर भी आएगा क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन था बाहर। E नॉट I नॉट यहां पर भी आ गया, तो यहां पर इसकी करें अब इंटीग्रेशन तो वो क्या आएगा बच्चों, देखो कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस साइन और साइन, साइन की डिफरेंशिएशन है कॉस सिंपल, और कॉस की इंटीग्रेशन है सिंपल साइन। तो यहां पर आएगा सिंपल साइन आ गया और साथ में आ गया 2 ओमेगा टी, साथ में नीचे भी 2 ओमेगा। अब यहां पर वैल्यू फिल करेंगे 0 से लेकर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर भी फिल करें, तो जब मैं यहां पर फिल करूंगा तो वो क्या बनेगा, इसको मैं नंबर 1 लिख लूं, इसको नंबर 2 लिख लूं, अलग अलग दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस इजी हो जाएगी। तो जब मैंने नंबर 1 को सॉल्व किया तो बच्चों उसने मुझे क्या बताया, ई नॉट आई नॉट, टी की वैल्यू सिंपल है यहां पर टी और साथ में 2, इसका रिलेशन यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब मैं 2 को सॉल्व करूंगा तो वो क्या बनेगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, यहां पर क्या आएगा साइन 2 ओमेगा टी, और उसकी जगह क्या बनेगा साइन 2 ओमेगा है। ओके, ओमेगा की वैल्यू क्या बनती है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई एफ होती है ओमेगा की वैल्यू, 2 पाई एफ ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट क्या होगा, इनवर्स क्या होता है टी, तो ये टी यहां पर भी आया, अपर लिमिट के लिए लिख रहा हूं मैं भी, टी यहां पर आ गया, साथ में ये टी की जगह भी ये टी आएगा, तो यहां पर भी टी आ गया। ओके, इसके बाद माइनस लोअर के लिए लिखेंगे अब हम, ये 2 साथ में ओमेगा है, ये 2 बाहर था, एक 2 ओमेगा यहां पर गया, तो इसको भी मैं 2 ओमेगा यहां बाहर लिख लिया। ओके, अब लोअर के लिए लिखेंगे तो वो क्या आएगा साइन, साइन फिर से वैसे लिखेंगे 2 साथ में 2 पाई। ओके, और नीचे भी आएगा, अब लोअर लिमिट है तो 0 है, तो यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। ओके, टाइम की जगह हम 0 लिखेंगे, अब लिख दिया तो क्या बनेगा, अब ये पूरी चीज हो गई और यहां पर खत्म। तो ये पूरी चीज बच्चों यहां पर क्या बनती है, ऊपर वाला पार्ट देखकर करें, E नॉट I नॉट बाय 4 ओमेगा, E नॉट I नॉट अपॉन 4 ओमेगा हो गया, ये पूरा पूरा बाहर, और अंदर क्या बनेगा साइन 4 पाई टी के साथ टी चला गया, 4 पाई आ गया, माइनस यहां पर क्या आएगा फिर से, इस वाले केस में 0 बन गया पूरा पूरा। ओके, यहां पर अगर आप बच्चों सिंपल इसको ओमेगा ही लिखते रहते तब भी अच्छा था, और यहां पर टी के 0 लिखते तब भी हमारा 0 बनता, तो साइन 0 ही आता है यहां पर। अब देखो बच्चों साइन 4 पाई, 4 पाई मीन्स वट, यहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मीन्स अब ऐसे चलेगा पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो 4 पाई के ऊपर भी वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आ गया 0, साइन की वैल्यू भी 0, तो ये 0 माइनस 0 0, इसका मतलब ये पूरा पूरा सेकंड पार्ट जो है ये क्या बनेगा 0, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं देगा हमें, हमारे पास सिंपल 1 वाला वैल्यू देगा, वो क्या होगी ये वाली। तो देयरफॉर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, E नॉट I नॉट बाय 2, साथ में है T टाइम, तो वर्क के नीचे टाइम ले जाएं तो बच्चों क्या बनेगा,
टाइम, तो ये आ गया पावर। ओके, तो पावर क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट बाय टू। ओके, ये इतना हो गया। अब ई नॉट आई नॉट बाय टू है, तो इसको मैं कुछ अगर ऐसे लिख दूं, टू को मैं खोल दूं, ऐसे लिख दूं, तो अब क्या बनेगा, ये कौन सी वैल्यू आ गई, ई आर एम एस वैल्यू, और यहां पर आई आर एम एस वैल्यू, तो ये कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस एट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ओके, तो देयरफॉर पावर क्या हो गई बच्चों हमारे पास, कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारे पास ई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, वो बन गई पावर। तो देयरफॉर जो आर है वो बच्चों क्या करता है, पावर कंज्यूम करता है। हो गया, तो देयरफॉर आर जो है वो तो पावर कंज्यूम करेगा ही करेगा, और ये चीज हम लगातार टन से पढ़ते आ रहे हैं, तो देयरफॉर पावर कंज्यूम बाय आर, ओनली आर अगर हो तो बच्चों वो आएगी वैल्यू हमारे पास। ये करो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, अब करेंगे एल के लिए, फिर करेंगे सी के लिए। अब बच्चों नेक्स्ट है एवरेज पावर। अब एवरेज वर्ड क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि जीरो से लेकर टी टाइम पूरे साइकिल के लिए चल रही है पावर। ओके, सो एवरेज पावर 4A, 4R प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब बच्चों ओनली इंडक्टर है हमारे पास, इंडक्टिव सर्किट मीन्स मैं अकेले L की बात करूंगा अभी यहां पर, और कुछ भी नहीं है, अकेला L है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझना बच्चों, साथ में एसी। अब एवरेज पावर इसकी क्या होगी, हमें पता है कि इसके अंदर बच्चों इंडक्टर के अंदर पावर जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, तो देयरफॉर पावर भी आएगी। ओके, तो देयरफॉर एनर्जी जो इसके अंदर बच्चों स्टोर होती है वो कितनी है, 1/2 LI² हम पढ़ चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है ये वाली। ओके, कैपेसिटर के अंदर 1/2 CV² और वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये है हमारे पास। अब देखना क्या है कि क्या ये जो इंडक्टर है ये क्या कोई पावर यूज करता है, कब, पूरे साइकिल के अंदर। ध्यान से इसको समझना, वैल्यू आएगी बाद में आप पूछोगे, क्योंकि एनर्जी है तो पावर तो आनी चाहिए, बट क्या ये पावर लेकर आता है, सामने आएगा पावर लेकर, क्या ये पावर कंज्यूम करेगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में है हम उसको सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो ध्यान से आप देखिए कैसे, फिर से स्टार्ट करेंगे वैसे, W=V×I, जहां आप इसको E×I लिख दो। ओके, साथ में टी, थोड़ा सा वर्क डन, E×I साथ में थोड़ा सा टाइम। ओके, क्योंकि तो थोड़े टाइम की अगर आप बात करेंगे तो वर्क डन भी थोड़ा सा रहेगा। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये पीछे है -5, अब ये क्या फेज डिफरेंस है, किसके अंदर, इन दोनों के अंदर, ई और आई, इन दोनों के अंदर अभी यहां पर फेज डिफरेंस है। और अब जब ये एल हो अकेला तो फेज डिफरेंस कितना रहता है बच्चों, इस साइड आई इस साइड दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा अभी, -π/2। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अभी यहां पर क्या आएगा, साइन ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया। ओके, ये दोनों एक साइड हो गए, यहां पर dt भी है साथ में। ओके, ये इकट्ठे हो गए, यहां पर क्या आएगा अभी, साइन ओमेगा टी है। तो इसको, ये जो हमारे पास है इसको क्या मैं कुछ और लिख सकता हूं, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या बनेगी, ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर होती है, -cos ωt। पढ़ चुके, आइडेंटिटी हम लगा चुके, लगातार पिछले केसेस से पढ़ते आ रहे हैं हम इसको भी, तो ये चीज बन गई ये चीज के बराबर। तो यहां पर क्या मैं लिखूंगा अभी, -cos ωt साथ में dt। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में साथ माइनस आएगा, तो माइनस हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या बनेगा, -E0 I0
तो ये कुछ है, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा यहां पर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साथ में आएगा डी टी, ओके माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, तो ये पूरी पूरी चीज बन गई साइन 2 ओमेगा टी साथ में डी टी। क्लियर हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता है साइन 2 थीटा। अब ये हमारे पास वर्क डन आ चुका है, अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर पूरे के लिए किया तो वर्क डन डब्ल्यू आ गया, अब थोड़ा सा टाइम था पूरे टाइम के लिए किया 0 से लेकर टी टाइम तक तो वर्क डन आ गया डब्ल्यू, क्या क्या कोई वर्क डन आएगा वो देखेंगे सामने क्या बनती है वैल्यू। तो यहां पर आएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, इसकी अब करेंगे क्या इंटीग्रेशन, तो वो क्या बनेगी माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी माइनस माइनस पॉजिटिव, तो वो क्या बनेगी इंटीग्रेशन आ गई माइनस में, माइनस में क्या आया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, टाइम कौन सा है 0 से लेकर टी टाइम तक है, 0 से लेकर टी टाइम तक, तो वर्क डन क्या बनेगा अभी माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2, ओके अब यहां पर वैल्यूज फिल करें जैसे पिछले केस में की थी वैसे ही करेंगे फिर से, तो बच्चों क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस बन चुका है यहां पर, और यहां पर आएगा कॉस 2 साथ में क्या आएगा यहां पर 4 पाई भी बाहर निकाल रहे हैं हम 4 ओमेगा, ओके तो यहां पर आएगा 2 साथ में क्या आएगा 2 पाई टी यहां पर भी टी, ओके माइनस ये पहले बार निकाल दिया था माइनस आएगा बीच में अभी माइनस माइनस प्लस पहले कर चुके हैं हम, तो बच्चों यहां पर माइनस आएगा तो माइनस के साथ अभी यहां पर क्या आएगा कॉस ये टी को 0 फिल करेंगे तो यहां पर 0 ही बन गया, ओके तो कुछ ये बना। अभी यहां पर क्या है टी के साथ टी गया 2 to 4 पाई बन गया, ओके कॉस 4 पाई, अभी देखो यहां से ध्यान से कॉस की इक्वेशन कॉस की जो साइन कर्व जैसे थी वैसे अब कॉस की कर्व कहां से स्टार्ट होती है बच्चों यहां से ऊपर से 0 है पाई हो गया एक पाई आ गया अभी अभी ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ फिर ऐसे जाएगा फिर अभी जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इकट्ठा कर रहा हूं बच्चों, यहां से यहां पर पाई आ गया तो ये हो गया पाई, ओके तो यहां से अब यहां पर गया तो ये हो गया 2 पाई, यहां से नीचे आया तो 3 पाई, यहां से ऊपर गया तो 4 पाई, तो 4 पाई के ऊपर वैल्यू कितनी है 1 है, तो देयरफॉर यहां पर आएगा 1 कॉस 0 की वैल्यू क्या है अभी ये यहां पर 0 था, ओके यहां पर ये 0 था तो वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1 पूरा आ गया 1 माइनस 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो गई इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये 0 तो वर्क डन पूरा 0। अब वर्क डन 0 है तो क्या कोई पावर आएगी बच्चों बोलो जल्दी से, अब वर्क डन 0 हो गया तो क्या पावर आएगी, वर्क डन तो आ गया 0 तो पावर क्या होती है वो होगी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो 0 तो पावर भी क्या हो गई 0, तो पावर क्या आएगी 0 आएगी किसके लिए जब हमारे पास क्या है इंडक्टिव सर्किट है, क्लियर तो पावर 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या कि पूरे के पूरे सर्किट के लिए यहां से 0 से लेकर कहां तक जाएगी 0 से लेकर जैसे अभी मैं पूरा बना रहा था ये पॉजिटिव ये नेक्स्ट वाले के लिए हो गया, तो वैसे ही जब इसके लिए हम पढ़ेंगे पूरा पूरा हाफ साइकिल ये कॉस के लिए था तो साइन के लिए पढ़कर देखें तो कुछ ऐसे, तो यहां से स्टार्ट हो ये पॉजिटिव के लिए हो गया ये नेगेटिव के लिए हो गया, तो जब यहां पर पहुंचेगा ये पूरे टाइम 0 से लेकर टी टाइम के अंदर तक वो पावर यूज नहीं करेगा पावर कंज्यूम करेगा 0। क्या ऐसा हो सकता है इसके पास एनर्जी है तो क्या एनर्जी ये इतनी लेगा देयरफॉर अगर ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो बच्चों क्या ये पावर कंज्यूम नहीं करेगा, करनी चाहिए। अब उसको समझेंगे ध्यान से, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं एक डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा बच्चों कि वो जो पावर है ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज कैसे हो रही है और कैसे आंसर आएगा, देखेंगे इसको भी स्क्रीनशॉट मारो प्लीज का जल्दी से आप।
तो नेक्स्ट है बच्चों, अब हम समझेंगे कि इसके अंदर ये जो इंडक्टर है ये पावर जीरो कंज्यूम करता है जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड के अंदर, मींस पूरे साइकिल के अंदर। तो वो कैसे, देखो ये जो ब्लैक वाला है ये कर्व, ये किसके लिए है बच्चों, ईएमएफ के लिए, और रेड वाली किसके लिए है, करंट के लिए। दोनों दोनों आपस में कितना फाइज डिफरेंस के फर्क के साथ चलते हैं, जिसमें ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। ओके, ये फेज डिफरेंस की बात है। ओके, तो अब देखो होगा क्या, ये मेरे पास इंडक्टर है, इसको मैंने एसी फेड की है। ओके, पहले क्या होगा, जब इसको मैंने एसी प्रोवाइड करनी शुरू की तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये अपने अंदर करंट इसके अंदर पैदा नहीं होने देगा। ओके, इसका मतलब जब इसके पास ईएमएफ जाएगी एट दैट टाइम इसके पास करंट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का क्या है, फेज डिफरेंस चलेगा। ओके, तो जब इसके पास ईएमएफ मैक्सिमम लेवल की पहुंच जाएगी, मीन्स ईएमएफ का लेवल जब मैक्सिमम होगा, एट दैट टाइम इसके अंदर करंट पैदा होना शुरू होगा, मीन्स इससे करंट पहुंचना शुरू होगा यहां तक। ओके, 90 डिग्री एंगल के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, फिर इसके जो ये इसकी जो वैल्यू इसके पास मैक्सिमम हुई थी, अब वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि ये जो पॉजिटिव था पहले, अब वो लेस होना शुरू होगा, ईएमएफ की वैल्यू लेस होनी शुरू हो जाएगी, और एट दैट टाइम इसके पास करंट की वैल्यू क्या है, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके, बढ़ती जाएगी। जब ये टी बाई टू मीन्स जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल की ओर शुरू होगा जाना, तो एट दैट टाइम इसके पास जो करंट मैक्सिमम था वो भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, और जब ये T3T/4 मींस यहां पर पहुंचेगा, इसके बाद जब वो ऐसे वापस जाने को शुरू करेगा, मींस फिर से वो पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा ईएमएफ, एट दैट टाइम क्या होगा, करंट जो है इसके अंदर वो फिर से लेस होना शुरू हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इस कर्व में पूरी तरह से बताया है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दोनों के बीच में। ओके, अब क्या होगा, हमें क्या पता है कि ये एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है, 1/2 LI² इसका मतलब अगर ये एनर्जी कंज्यूम करता है तो पावर तो आनी चाहिए, बट हमारे पास क्या आया, एनर्जी आ गई जीरो। अब इसका मतलब कि ये जो एनर्जी उसने यूज की, ओके, ये उसने एनर्जी यूज की, बट पूरे साइकिल के लिए एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, अभी हमने फाइंड किया था वर्क डन, वो क्या आया था, जीरो, पूरे साइकिल के लिए। इसका मतलब जीरो से लेकर टी टाइम के अंदर जो पावर या एनर्जी होगी वो दी जाएगी, ली जाएगी, फिर से दी जाएगी और फिर से ली जाएगी, या दे दी गई या ले ली गई, मींस कुछ ऐसे सिस्टम हो ताकि पूरे टाइम के अंदर जो एनर्जी हो वो एक बार पॉजिटिव आ जाए और एक बार नेगेटिव आ जाए, ताकि रिजल्टेंट क्या हो सके, जीरो, पूरे साइकिल के लिए जीरो से लेकर टी टाइम के अंदर, या दी गई फिर से ली गई फिर से दी गई फिर से ली गई पूरे टाइम पीरियड के अंदर, फिर भी क्या होगा, दी ली और फिर से रिजल्टेंट जीरो। तो समझ रहा है कि ये पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये जीरो कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है तो एनर्जी तो इतनी उसने यूज करनी ही करनी है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, क्योंकि पता है ना कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो की जाती है इतनी, और कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर की जाती है कितनी एनर्जी, 1/2 CV². तो कैसे होगा, देखो ये मैंने एक टाइम बना दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अभी यहां पर ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है, करंट भी क्या है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हमें पता है पावर क्या होता है बच्चों, E into I, वैसे हमने पढ़ा है पावर क्या है, E into I, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव आएगी ना, सो देयरफोर इसके अंदर जो पावर आएगी बच्चों वो क्या होगी, इसके साथ बना ले, पावर आएगी इतने केस के लिए नेगेटिव, आगे नेगेटिव शुरू होना हो गया केस, ठीक है।
अभी यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव समझा या पॉजिटिव नेगेटिव समझा, अभी ये केस पर से कौन सा बना है कि पहले कुछ के लिए नेगेटिव आ चुकी है, उसके बाद क्या होगा टी बाय फोर से लेकर टी बाय टू तक ईएमएफ क्या है पॉजिटिव, करंट भी क्या है पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगी पॉजिटिव, पावर आ गई पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव थी अब क्या हो गई पॉजिटिव। उसके नेक्स्ट वाले केस में ईएमएफ क्या है नेगेटिव, करंट क्या है पॉजिटिव, फिर से क्या होगी नेगेटिव, फिर से आ गई नेगेटिव। लास्ट वाले केस में क्या है ईएमएफ क्या है नेगेटिव, करंट भी ईएमएफ भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव, रिजल्ट क्या बना पॉजिटिव, तो पावर क्या बन गई पॉजिटिव। समझ में आई बात, तो लास्ट वाला केस कौन सा बना पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सभी को ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या है जीरो बन गई ना, कि पहले यहां से इसको एनर्जी दी गई, फिर से ली गई, फिर से दी गई, फिर से ली गई, सो देयरफॉर क्या हुआ पूरे साइकिल के लिए जीरो से लेकर टी टाइम तक के लिए उसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की जीरो, जीरो एक्सटर्नल एनर्जी उसने अपने आप, अगर वो केला लगा है तो जीरो उसने एनर्जी ली थी, और कितने टाइम के लिए जीरो से लेकर टी टाइम के लिए, तो एनर्जी जीरो ली तो इसका मतलब पावर भी क्या की गई जीरो ही रखी गई जीरो से लेकर टी टाइम तक, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं आई तो बच्चा पावर कैसे आएगी, तो पावर इसलिए बच्चों ये जीरो हुई थी। क्लियर होगी बात आपको, समझ में आ गई, ये किसके लिए है प्योरली इंडक्टिव है, रेजिस्टेंस कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछले केस में हमने पढ़ चुके हैं कि अगर रेजिस्टेंस कंपोनेंट होगा तो पावर आएगी ही आएगी। मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी जल्दी से। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग सी ओनली, अभी ये अकेला सी है, आर कंपोनेंट इसमें भी नहीं है, आइडियल सी है ये। अब अगर अकेला सी है तो एट दैट टाइम एसी अगर फेड की जाए तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा इसमें भी, फिर से कैसे करेंगे वर्क डन क्या है पावर इंटू टाइम, तो पावर क्या है ई इंटू आई इंटू टी, थोड़ा सा वर्क डन तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई इंटू आई इंटू डी टी, ई एम एफ क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई मीन्स फेज डिफरेंस कितना है फाई बाई टू और साथ में डी टी। क्लियर, अभी ये आई जो है ये ई एम एफ से 90 डिग्री आगे चलता है, इसमें अगर अकेला सी हो कैपेसिटर हो तो क्या होगा, अभी यहां पर ई नॉट आई नॉट आ गया साइन ओमेगा टी, साथ में आ गया यहां पर कॉस ओमेगा टी डी टी, ओके हो गया साइन कॉस आ चुका है, अभी यहां पर क्या होगा बच्चे जल्दी से बोलो, साइन कॉस आ गया टू के साथ मल्टीप्लाई टू के साथ डिवाइड साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, तो डी डब्ल्यू फिर से क्या आएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टू, ये पूरा बन गया साइन टू ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे पूरा केस वही बन गया जो पहले था, आंसर इसमें भी इसका मतलब क्या आएगा जीरो ही, उसमें यहां पर नेगेटिव था, इंटीग्रेट करेंगे फिर से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बट इसकी इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगी जीरो आएगी, तो जीरो आ गई तो वर्क डन भी क्या होगा जीरो, तो वर्क डन जीरो तो पावर भी क्या होगा जीरो, तो अकेला अगर कैपेसिटर भी लगा हो एट दैट टाइम की पावर क्या है जीरो होगी। तो अभी इन सभी थिंग्स से आपने क्या समझा बच्चों कि अगर सर्किट के अंदर आर लगा हो तो पावर आएगी कितनी आईवी ईवी, ओके वर्चुअल वैल्यूज या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, और अगर L हो तो पावर क्या है जीरो, अगर C हो तो तब भी पावर क्या है जीरो। क्लियर, इसका मतलब अकेला C और अकेला L कभी भी पावर यूज नहीं करता, डन। तो मारो स्क्रीनशॉट, आप इसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों कौन सा आर एल सी और आर एल सी केस के अंदर पढ़ेंगे कि पावर क्या आएगी हमारे पास, तो देखें जल्दी मारो स्क्रीनशॉट इसका भी आप।
तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एसी सर्किट हैविंग आर एल सी इन सीरीज। इस केस में क्या होगा, इस केस में एवरेज पावर क्या आएगी वो फाइंड करना है। तो कैसे, आर ले लिया, एल ले लिया और सी ले लिया, तीनों किसके लिए, एसी लगा दी गई। तो देखो क्या बनेगा आगे, तो इस केस में क्या हुआ, हमें आई क्या है और E क्या है वो पहले फाइंड कर ले। E है हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा T, और इसमें क्या होगा I नॉट साइन ओमेगा T, इससे थोड़ा पीछे होगा या आगे होगा, फेज डिफरेंस है। फाइंड करना पड़ेगा कि ये ज्यादा वोल्टेज यूज कर रहा है या ये। तो हमने क्या किया, इसको पैरिटी देकर चल रहे हैं कि इसकी XL की वैल्यू XC से ज्यादा है या VL की वैल्यू VC से ज्यादा है, तो इस केस को लेकर चल लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों क्या बनेगा, यहां पर आएगा फेज डिफरेंस कम, ओके, यहां पर आएगा नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव ओमेगा टी माइनस फाइव। ये दोनों आ गए, तो पावर फाइंड करने, तो वर्क डन से स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या होगा ई इंटू आई साथ में डी टी, डी टी आएगा, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा वर्क डन, थोड़ा सा टाइम। वैल्यू फिल करें, तो पहले की वैल्यू फाइव फिल ई की, तो वो बन गया ई नॉट, साथ में आ गया साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साथ में आ गया डी टी। फिल करें वैल्यू फिर से, इसको बाहर लिख लिया, साइन ओमेगा टी यहां पर आ गया, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, वो हमारे पास आएगा साइन ओमेगा टी, साथ में आ गया कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी, साथ में आ गया साइन फाइव, हो गया। फिर से वैल्यू बन के कुछ आ गई है, साथ में यहां पर लगेगा डी टी, ओके, दो वैल्यूज बनाएंगे फिर से, तो वो क्या बनेगी, साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में आ गया कॉस फाइव, यहां पर आएगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साथ में आ गया साइन फाई, और इनके साथ भी डी टी लगा दो और इसके साथ भी डी टी लगा दो, अलग अलग दोनों के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट दोनों के साथ ही डी टी है। तो कुछ मेरे पास ये बन चुका है अभी वर्क डन। अभी इसको मैं नंबर वन ले लू, इसको नंबर टू ले लू, और अलग अलग सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा क्वेश्चन, ओके तो नंबर वन को पहले सॉल्व करेंगे यहां पर, तो वो क्या होगा, इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा कुछ, पूरे के लिए करना पड़ेगा इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट किया इस पूरे के लिए, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे हम, तो बच्चों ये बन जाएगा डब्ल्यू, यहां पर आएगा अकेला डब्ल्यू, और यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा जीरो से लेकर कहां से लेकर जीरो से टी तक, और इसको भी जीरो से टी तक, ये नंबर वन ये नंबर टू। तो नंबर वन को करेंगे अभी सॉल्व, तो नंबर वन क्या होगा, देखो ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, अंदर रह गया ये, तो इसका हमने फॉर्मूला पहले भी किया है कि कैसे करेंगे, साथ में कॉस फाइव भी बाहर आ गया, तो अंदर इसका फॉर्मूला बनता है कॉस, सॉरी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, साथ में डीटी, ओपन करो इसको, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव भी बाहर, तो इसको ओपन किया तो इसका बना पहले अलग अलग कर दिया, टाइम था जीरो से लेकर टी टाइम तक, जीरो से लेकर टी टाइम तक, तो वन बाय टू साथ में आ गया डीटी माइनस, फिर से लगा तो यहां पर आएगा कॉस टू ओमेगा टी बाय टू साथ में डी टी। तो ये चीज बच्चों हमने पहले भी की थी सबसे पहले पार्ट के अंदर, और ये हमारा जीरो आ चुका था उस वाले केस में, तो ये जीरो है। तो बच्चों हमारे पास रह गया ये अकेला इतना पार्ट,
तो इतने पार्ट को अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा E नॉट I नॉट, साथ में आ गया cos phi, ओके। तो यहां पर बनेगा T है, ओके, 1 बाई टू भी साथ में आ गया बाहर, और ये dt का आ गया T, T माइनस जीरो तो T रह गया, ओके। सो नंबर वन से हमारे पास रिजल्ट आ गया कुछ इतना, ओके। तो ये हमारे पास आ गया नंबर वन से। अब करेंगे नंबर टू। नंबर टू है हमारे पास ये वाला, तो इसको सॉल्व करें अभी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नंबर टू क्या बनता है। तो देखें, तो नंबर टू आएगा बच्चों, नॉट आई नॉट टू, अभी साइन फाइव भी बाहर आ गया तो अंदर आ गया जीरो से लेकर टी टाइम तक। तो यहां पर टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, तो यहां पर भी टू और यहां पर भी टू। टू अगर वहां पर लगाया जाए तो क्या बनेगा, साइन टू ओमेगा टी साथ में डी टी हो गया। साइन फाइव पहले बार था तो इसके साथ टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू नीचे आ गया, टू ऊपर वाला टू इसके साथ रहेगा तो वो फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा साथ में डीटी आ गया। तो ये इसको अब करेंगे ओपन तो बनेगी इंटीग्रेशन, ओपन की तो बनाई इंटीग्रेशन तो वो बन गया साइन की इंटीग्रेशन क्या बन गई, माइनस कॉज, कॉज आ गई, कॉज कितनी आ गई, टू पाई टू ओमेगा टी और साथ में टू ओमेगा, ओके। वैल्यूज फिल करेंगे जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर टी तक। तो इसको भी अगर हम फिल करेंगे तो ये हमने अभी केस पहले कर चुके हैं, तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास जो आया था वो क्या था, जीरो। पिछले केसेस में हम अच्छी तरह से इसको कर चुके हैं। तो ये जीरो, तो इसका मतलब नंबर वन से हमारे पास ये आया, नंबर टू से हमारे पास जीरो आ गया। तो वर्क डन, ये जो वर्क डन है ये क्या बनेगा, नंबर वन से बनेगा तो वो कुछ ये बना, E नॉट I नॉट बाय टू साथ में आ गया cos phi, ओके। तो इसको ओपन करेंगे तो कुछ ओपन, अभी साथ में t टाइम था, ओके। तो w बाय t, तो ये t इसके नीचे अगर हम ले आए तो बन जाएगी पावर, तो पावर हमारे पास कुछ ये आ गया, तो वो क्या बना, अंडर रूट टू कर दो, I नॉट बाय अंडर रूट टू कर दो साथ में cos phi आ गया। तो ये बन गई हमारे पास, आई बन गया, और पहले इसको कर ले, ये मेरे पास बन गई ई आर एम एस वैल्यू, ई नॉट ई वी, और इसकी क्या बन गई आई वी आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, और साथ में आ गया कॉस फाइव, और ये पावर इक्वल्स टू बन चुका है। यहां से क्या पता चला कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो दो थिंग्स हैं, और ये है मेरे पास पावर, पावर की ट्रू वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये जो वैल्यू आएगी, ये पूरा पूरा केस, इसको हम बोलते हैं पी, और पी ये जो पूरी पूरी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मींस असली वैल्यू किसकी, पावर की। सो पावर की असली वैल्यू होगी ये पूरा पूरा चीज, और ये जो पूरी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू थी, इसको हम बोलते हैं बच्चों वर्चुअल वैल्यू या एपरेंट वैल्यू। जो रियलिटी में, रियलिटी में ट्रू नहीं है बट वर्चुअल वैल्यू है, तो ये वर्चुअल वैल्यू है, ये पूरी पूरी ट्रू वैल्यू है। तो इससे कुछ बनता है हमारे पास, देखो ट्रू वैल्यू के अपॉन वर्चुअल वैल्यू कर दो तो हमारे पास कॉस फाई आएगा, आएगा ना, ट्रू वैल्यू अपॉन वर्चुअल वैल्यू, ये पूरा पूरा ट्रू वैल्यू था, ओके। इस पूरे पूरे ट्रू वैल्यू मीन्स ये पूरी पूरी चीज P, ये ट्रू वैल्यू है, तो इसका मतलब P, ये पूरी थिंग ट्रू वैल्यू, इसका मतलब यहां पर मैं ट्रू वैल्यू लिखती, ये इसके नीचे लेगा तो ये वर्चुअल वैल्यू होगी। तो cos phi क्या बनेगी, ट्रू वैल्यू अपॉन वर्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, cos phi के। देखो ट्रू वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस किसने दिया है, किसके अकॉर्डिंगली आया है, ये चीज कोई बनती है। यहां पर इन दोनों को अगर हम बच्चों कर दें तो इक्वल्स टू कॉस फाई आएगा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये जो कॉस फाई है ना, ये जो साथ में ये कॉस फाई जो लगा, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्यों बोलते हैं पावर फैक्टर, अच्छे से समझना अभी हमने।
देखो पावर की वैल्यू आई, पावर वैल्यू मींस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पावर, वो क्या होगी वर्चुअल वैल्यू साथ में कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होता है पावर फैक्टर। सो देयरफॉर वर्चुअल वैल्यू इनटू पावर फैक्टर, ये दोनों इक्वल्स टू किसके बराबर बनते हैं ट्रू वैल्यू के, पावर के ट्रू वैल्यू के। ओके, अब आपको एक बात देखनी पड़ेगी, वो कौन सी? देखो अगर ट्रू वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू दोनों ही एक हो जाए, सेम हो जाए, कैसे? हमने सबसे पहले पढ़ा था किस वाले केस के अंदर, अकेला अगर आर हो तो उसमें पावर क्या थी बच्चों, कुछ ये थी पावर, इसमें कॉस फाई नहीं था, कॉस फाई नहीं था। क्यों कॉस फाई नहीं था? क्योंकि इसमें अकेला आर ही था, आर ही था मीन्स जिस साइड को ई थी उसी साइड को आई था, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो था, तो फेज डिफरेंस जीरो मींस कॉस फाई की वैल्यू जीरो, कॉस फाई की वैल्यू जीरो, फाई की वैल्यू जीरो मींस वन, पूरी पूरी चीज वन, तो इसका मतलब यहां पर उसकी वैल्यू वन थी। और इसका मतलब क्या कि जिसकी ट्रू वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू दोनों दोनों सेम हो वो कौन सा केस होगा, जहां पर अकेला के अकेला कौन सा लगा हो, आर लगा हो सर्किट में, जहां सर्किट किसके अंदर हो, रेजोनेंस के अंदर हो, क्योंकि रेजोनेंस वाले केस में भी क्या होगा, एक्सएल और एक्सी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं तो सर्किट में कौन सा रहता है हमेशा, एक्सएल मीन्स ये वाला, एक्सी मीन्स ये वाला, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, अकेला आर बचता है। तो इसका मतलब जब जब सर्किट में कौन कौन सी चीज होगी, सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्कआउट करता होगा, रेजोनेंस आई होगी, एट दैट टाइम भी बच्चों कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, वन, मींस ट्रू वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू सेम रहती है, जहां सर्किट के अंदर अकेला अकेला कौन सा लगा हो, अकेला आर लगा हो एट दैट टाइम भी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, वर्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या, पावर फैक्टर क्या है। तो इसका हमारा स्क्रीनशॉट जल्दी स्पेशल केस करते हैं, इसके अभी क्या है, अगर बच्चों स्पेशल केस में क्या है, अगर सर्किट में अकेला आर हो तो जेड क्या होगा, अकेला आर के बराबर होता है। ओके, तो एट दैट टाइम जिस साइड को ई उसी साइड को आई, कॉस फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू जीरो तो कॉस फाई की वैल्यू वन, तो ट्रू वैल्यू किसके बराबर हो गई, वर्चुअल वैल्यू के। क्लियर है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है उसके लिए, वन। ओके, क्योंकि कॉज है तो पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी। ओके, क्लियर। और अब अगर सर्किट में बच्चों आर हो और साथ में एल भी हो तो क्या होगा, जेड क्या आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल का स्क्वेयर होगा। आर हो गया इस साइड को, एक्स एल हो गया ऊपर को है, ऑर्डर सेम कर दिया, तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल बनी, तो ये फाई बन गया, तो ये जेड होगा मेरे पास, आर एक्सएल इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये क्या आ गया मेरे पास, हाइट। ओके, तो ये बन गया, तो इससे बच्चों मैं कॉस फाई क्या कैसे निकाल पाऊंगा, अभी कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई क्या होता है बच्चों, ये अपॉन ये, तो इसका मतलब क्या आएगा, आर अपॉन जेड, कैसे किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ये, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास कॉस फाई आ गया। ऐसे आप जिसको कॉस फाई की वैल्यू, अभी आर की वैल्यू जेड की वैल्यू लिखो तो कॉस फाई आपको आ जाएगा, उसके अंदर फिल करो तो पावर आ जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास होगी ठीक है, जेड की वैल्यू आपके पास होगी तो पावर फाइंड करनी होगी, तो वो क्या बनेगी, और साथ में कॉस फाई, ये दोनों की वैल्यूज है तो इसकी वैल्यू फिल करो यहां से, तो पावर आ गई जो ये कंज्यूम करेंगे आर और एल, और आर और सी होगा तो उसके लिए भी आप कर चुके हो, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर, इम्पीडेंस ट्रायंगल उसकी भी क्या बनेगी, ऐसे आर इस साइड को हो गया, एक्स सी इस साइड को हो गया, तो ये बन जाएगा उसके लिए फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन जेड ही आएगी। ओके, तो ये भी निकल जाएगा। और अगर सर्किट के अंदर बच्चों एक्स एल और एक्स सी दोनों एक दूसरे के बराबर हो, मींस एट दैट टाइम क्या होगा, सर्किट में क्या है, कैसे है सर्किट, रेजोनेंस में है,
दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है और एक्स और सी दोनों ही है, मीन्स एलसी ऑसिलेशन वाला केस है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, एक्सएल और एक्ससी दोनों एक दूसरे के बराबर है, जितना वो ऊपर उतना है नीचे को, मीन्स ना तो ये फेज डिफरेंस ऊपर को, ना तो ये एम्पिडेंस ट्रायंगल ऊपर को बनेगी ना तो नीचे को बनेगी, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फाई की वैल्यू जीरो होगी तो कॉस फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, वन आ जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट वाला केस है जो आर एल सी प्रॉपर वाला होगा, तो उस वाले केस में बच्चों आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर माइनस एक्स सी का स्क्वेयर अंडर रूट में आएगा, ये जेड के बराबर होगा। ये केस हमने पढ़ा है बच्चों, जिसमें एक्स एल को प्रायोरिटी दी गई है, एक्स सी के अकॉर्डिंगली वी एल ग्रेटर देन वी सी है, तो उस वाले केस में भी बच्चों क्या होगा, कॉस फाई क्या आएगा, आर अपॉन जेड। ओके, तो ये आप वैल्यू सभी लिखकर चलोगे आपको आंसर आएगा। स्पेशल केसेस जो थे वो भी हमने कर लिए, ध्यान से समझना इसको, ये हुआ क्या है इस केस में, कॉस फाई क्या है, फाई कौन सा, इन दोनों के बीच में कितना क्या है फेज डिफरेंस क्या है। ओके, ये फेज डिफरेंस आपको साथ में लिखकर चलना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पावर आएगी। आर होगा अकेला तो ये दोनों ही आएंगे, क्योंकि फाई क्या होता है उसके लिए जीरो, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, वन। अगर जेड हो, अकेला सी हो या अकेला एल हो, तो पावर आएगी ही नहीं, क्योंकि उस वाले केस में क्या होगा, ये फाई की वैल्यू क्या होगी, 90। कैसे, हमारे पास ईवी साइड को, आईवी साइड को, ईवी साइड को दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। अकेला अगर कौन सा है, एल है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या बनेगी, यहां पर फिल करके देख ली, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ऑटोमेटिकली पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसी केस के अंदर फिल करके देखेंगे, उसके लिए भी 90 वैल्यू हो गई, कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन साथ में, तो पावर जीरो हो जाएगी। उसी तरह से एक्स सी के साथ आई वी को देखेंगे, आई वी और ई वी, मीन्स अगर अकेला सी लगा हो उस वाले केस में क्या होगा, वो नीचे को आएगा, ईवी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उस वाले केस में भी, तो पावर उसमें भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं बच्चों। एक तो है वॉटलेस करंट और या आइडल करंट की वैल्यू, तो वो क्या होगी बच्चों, वो देख लो आप एक बार। जैसे मेरा इस साइड को करंट है, ओके, तो मान लिया जाए ये दोनों के दोनों करंट और जो जैसा भी सर्किट होगा उसके लिए ईएमएफ जो है वो इस साइड को है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। ओके, अब मैं इस करंट को अगर दो पार्ट्स में ब्रेक करूं, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि ऐसा करंट का पोर्शन जो कि बिल्कुल भी पावर को कंज्यूम नहीं करेगा, उस करंट के पार्ट को हम बोलते हैं वॉट लेस, वॉट मीन्स पावर लेस, जो कि पावर यूज नहीं करेगा। तो ये आई है, तो इन दोनों के बीच में मान लो अभी फेज डिफरेंस क्या है, जैसे यही केस कहां पर गया, यही केस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई, तो फाई है, ये आई भी होगा, ये ई भी है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस है फाई। ओके, तो इस सर्किट है हमारे पास, तो इसके इस आई भी के मैं दो पार्ट ब्रेक करूंगा, इसका एक पार्ट हो जाएगा इस साइड को, वो कौन सा होगा, कॉस फाई, बेस की और कॉम्प्रेंस ब्रेक किया इसका, एक होगा पूरा इस साइड को जो इससे 90 डिग्री का बनेगा, और वो होगा हमारे पास आई वी साइन फाई होगा, एक बन गया कॉस फाई, एक बन गया साइन फाई। क्लियर? अब इनमें से बच्चों, अब इस करंट के दो पार्ट्स ब्रेक किए, इसको कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, एक आएगा इस साइड को, एक आएगा इस साइड को, इन दोनों में से बच्चों अभी कौन सा पार्ट है जो कि बिल्कुल भी, इस करंट का कौन सा पार्ट है जो कि बिल्कुल भी पावर यूज नहीं कर रहा, वो कौन सा होगा, ये वाला। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए देखें आईवी का ये वाला पार्ट, तो वो आएगा आईवी, साथ में आ गया साइन फाई। ओके, साथ में कौन सा है, ये ईवी है। ओके, इस साइड को ईवी और ये आईवी साइन फाई, ईवी लिख दिया, और साथ में दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 मीन्स जीरो, तो पावर क्या हो गई, जीरो। तो देयरफॉर ये वाला करंट का पार्ट क्या करेगा, जीरो पावर यूज कर रहा है। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, इन दोनों के बीच में एक ही साइड को है, तो इन दोनों के लिए फाई क्या है, जीरो, तो फाई जीरो है, तो
फाइव जीरो है तो पावर वन आएगी, कॉस फाइव की वैल्यू वन आएगी, तो वो फिल करेंगे तो पावर कोई ना कोई आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पावर यूज करेगा बट ये वाला यूज नहीं करता, तो इसलिए इसको वाटलेस या आइडल करंट बोलते हैं। क्लियर? अभी छोटे से डिफरेंसेस है इसके बाद बच्चों एसी और डीसी के बीच में। एसी कौन सा है? जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज में आएगा। ओके, एसी जो है वो ट्रांसफार्मर की हेल्प के साथ उसकी वैल्यू को हम लेस या ज्यादा कर सकते हैं, मीन स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। ओके, अट्रैक्टिव नेचर शो करता है हमेशा एसी। डीसी जो है वो रिपल्सिव नेचर शो करेगा। ओके, डीसी जो है वो इतना खतरनाक नहीं होता एज कंपेयर टू एसी। ओके, अगर जो ट्रांसमिशन की जाती है बच्चों, हमेशा ऐसे बोला जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम एसी को यूज करते हैं, बट अगर बच्चों पावर स्टेशन जो है जहां से बिजली को पैदा किया जाता है उसके बिल्कुल पास ही कोई जगह हो जहां पर उस सिग्नल को ट्रांसफर करना है, हमने उस एनर्जी को ट्रांसफर करना, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना है वहां पर, तो वहां पर हम बच्चों एसी के बजाय डीसी को भी यूज कर सकते हैं। मींस अगर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं करनी तो उसके लिए बच्चों हम डीसी प्रेफर करते हैं। तो आराम से हम, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन के अंदर ही बच्चों क्या होगा, सिग्नल दूर तक पहुंच सकता है, तो वो सिर्फ एसी में पहुंच सकता है। ओके, तो अगर बिल्कुल पास ही कोई पावर स्टेशन है जहां पर हमने बिजली को प्रोवाइड करना है, तो बच्चों उस वाले केस के लिए हम डीसी को प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एसी, क्योंकि एसी हम ज्यादा प्रेफर किस लिए करते हैं, ताकि लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन में बच्चों एसी का सिग्नल की स्ट्रेंथ डाउन नहीं होती एज कम्पेयर टू डीसी। ओके, तो एसी को हम डीसी में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स, और डीसी को एसी के अंदर फिर से चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर या रेक्टिफायर। सिंपल एक ही चीज है दोनों केसेस में। ओके, और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? एसी की फ्रीक्वेंसी आएगी, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, डीसी का डायरेक्ट करंट है, एसी का अल्टरनेटिंग करंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस छोटे छोटे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, कुछ नहीं कुछ आ रहे, पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। अगला जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर है, इसके बाद ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा, तो बने रहना। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।